हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। दोस्तों, परीक्षा देना यूं तो हमेशा से ही कठिन रहा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम के बारे में बताऊंगा जिन्हें पास करना एवरेस्ट चढ़ने जितना मुश्किल काम है। तो आइए नजर डालते हैं दुनिया की सबसे कठिन समझी जाने वाली 10 परीक्षाओं पर। नंबर 10 पर आती है सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्किंग एक्सपर्ट। नेटवर्किंग चैंपियन सिस्को नेटवर्क इंजीनियरों की भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन करती है। इस परीक्षा में उम्मीदवार की विभिन्न क्षमताओं का आकलन किया जाता है। एग्जाम को दो चरणों के तहत 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल फेज 8 घंटे का होता है। सिस्को का दावा है कि दुनिया भर में 1% से कम नेटवर्क इंजीनियर यह सर्टिफिकेशन प्राप्त कर पाते हैं। नंबर 9 पर आती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। यह भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित 4 चरण वाली प्रतियोगी परीक्षा है। यूपीएससी भारत सरकार की प्रबंधकीय और तकनीकी सेवाओं के लिए आईईएस की भर्ती करता है। इसमें 6 टेस्ट होते हैं। हर साल हजारों इंजीनियर इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इसे क्रैक कर पाते हैं। नंबर 8 पर आती है मेंसा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। हालांकि मेंसा सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 98% अंक हासिल करने होते हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी IQ सोसाइटी है। प्रत्येक देश की अपनी मेंसा सोसाइटी होती है। नंबर 7 पर आती है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार यह दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। 20% से कम अभ्यर्थी ही इसे पास कर पाते हैं, वो भी बार बार प्रयास करने के बाद। एक औसत स्टूडेंट कम से कम 4 बार में यह एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है। 6 पर आती है CA। CA भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा आयोजित 3 स्तरीय परीक्षा है। स्टूडेंट कई बार इस परीक्षा में भाग लेते हैं, क्योंकि एक बार में इसे पास करना बेहद मुश्किल है। हालांकि बार बार प्रयास करने के बावजूद केवल 10% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण होते हैं। नंबर 5 पर आती है ऑल सोल्स प्राइस फेलोशिप एग्ज़ाम। यह फेलोशिप परीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा में 3-3 घंटे के 4 पेपर होते हैं। हर साल केवल 2 सदस्यों का चयन किया जाता है। 2010 तक की व्यवस्था के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वालों को दिए गए एक शब्द पर लंबा निबंध लिखना होता था। नंबर 4 पर आती है JEE एडवांस। JEE, जिसे पहले IIT JEE के नाम से जाना जाता था, भारत में आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। IIT में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए इसे क्रैक करना अनिवार्य है। परीक्षा में 3-3 घंटे के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ हजार ही पास हो पाते हैं। नंबर 3 पर आती है गोका। गोका चीन में एक अनिवार्य परीक्षा है, जिसमें उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को शामिल होना होता है। परीक्षा 2 दिनों में 9 घंटे से ज़्यादा समय तक आयोजित की जाती है। एग्ज़ाम देने वालों में से केवल 0.2% ही इतने अंक हासिल कर पाते हैं कि उन्हें देश के शीर्ष कॉलेजों में प्रवेश मिल सके। नंबर 2 पर आती है UPSC। भारत में संघ लोक सेवा आयोग UPSC विभिन्न सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हर साल इस परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण में साक्षात्कार होता है। UPSC में हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं, लेकिन पास होने वालों का प्रतिशत बहुत कम होता है। लाखों उम्मीदवारों में से केवल 0.1 से 0.4% ही
इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। नंबर एक पर आती है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्ज़ाम। इस परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। यह एग्ज़ाम विशेषज्ञ वाइन निर्माता बनने के लिए होता है और इसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला थ्योरी, दूसरा सर्विस और तीसरा ब्लाइंड टेस्टिंग। ब्लाइंड टेस्टिंग के दौरान छात्रों को यह बताना होता है कि संबंधित वाइन किस वर्ष और कहां बनी थी। अधिकांश छात्र इसी चरण में फेल हो जाते हैं। यह परीक्षा कितनी कठिन है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 40 वर्षों में केवल 229 लोग ही इसे क्रैक कर पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे कठिन समझी जाने वाली 10 परीक्षाएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।